पेहोवा शहर में लगभग 30 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती के परिजनों ने ससुराल परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता वे उसके परिजन मृतक मधु कुमारी के शव को लेकर भगवान परशुराम चौक पर पहुंचे और प्रदर्शन किया तथा पुलिस प्रशासन पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा बुझाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। परिजन पुलिस प्रशासन में स्थानीय निवासियों के हस्तक्षेप के पश्चात मृतक का संस्कार करने के लिए शव को ले गए। जानकारी देते हुए लड़की के पिता गणपत मिश्रा निवासी अफजाला बलिया बिहार हाल निवासी वार्ड नंबर 11 पिहोवा ने बताया कि उनकी पुत्री मधु कुमारी की शादी रोशन निवासी गुरु नानक कॉलोनी पिहोवा के साथ लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी, जिनके दो बच्चे लगभग 6 व 2 वर्ष के हैं। उसका दामाद अक्सर उसकी बेटी को परेशान करता था और उससे अक्सर मारपीट भी करता था। उसका पति दहेज का लोभी था, जिसके लिए उसके परिवार वाले भी उसे उकसाते थे। उसके दामाद को उसके परिवार वालों ने बेदखल किया हुआ था, जो कि उसकी मृतक पुत्री के साथ पूजा कॉलोनी पिहोवा में रहता था। वह अक्सर उसकी पुत्री को घर वालों से रुपए लाने को कहता था और जब वह इनकार करती तो उससे मारपीट की जाती। शिकायतकर्ता पिता ने बताया कि वह उसके दामाद को लाखों रुपए दे चुका था, लेकिन वह और ज्यादा लालची होता जा रहा था, जिससे दुखी होकर शिकायतकर्ता अपनी बेटी व उसके बच्चों को लेकर वार्ड नंबर 11 पिहोवा में रहने लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका दामाद जब उसकी बेटी उसे शहर में कहीं भी मिल जाती उससे मारपीट कर देता था और उसकी बेटी को धमकी देता था कि वह उसे जान से मार देगा और उसे वे उसके परिवार को बर्बाद कर देगा, जिससे उसकी बेटी मानसिक तौर पर परेशान रहती थी। मानसिक परेशानी के चलते बीती रात उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की कि उसके दामाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि मेरे जो रोशन था, मेरा जिज्जा जो है उसने धमकी दिया था दीदी को कि मार देंगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हें, क्योंकि वो जाने के लिए रेडी नहीं थी उनके साथ। इस करके कॉम्प्रो करवाना चाहते थे। कितने बच्चे हैं इनके पास? आपके बच्चे हैं? कितनी उम्र है उनकी? मेरी 21। नहीं, बच्चों की उम्र? क्या बच्चों की उम्र कितनी है? 6 है, 1 की 7 है। हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन वो कर नहीं रहे। शादी नहीं करूँगा, हमारे यहाँ बेटी शादी ना करूँगा। वो बोल रहे हैं कि हम बेदखल कर चुके हैं इनको। सोचो ऐसा भी होता है क्या? मानने के टाइम में ऐसे होते हैं। रात हमारे को सूचना मिली थी कि मामड़ा स्वीट हाउस के पास किसी लड़की ने सुसाइड किया है। जो मैं मौके पर गया हूँ, ऐसे तो साहब भी मौके पर गए थे, वहाँ जा करके मेरे को जो इसका लड़की का फादर मिला, जो इन्होंने लड़की जो है ऊपर से बेड पर उतार करके उससे पंखे से और नीचे लिटाई हुई थी बेड पर पेड़, तो इन्होंने अपने बयान दर्ज कराए कि भाई मेरा जो दामाद है मेरी लड़की को मारता पीटता है और पैसे मंगाता है। हाँ, मैंने एक दो बार इसको पैसे भी दिए हैं, जिसको इसके बयान दर्ज करके इसने अपने दामाद के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई थी, वो मैंने FIR दर्ज करने के उपरांत लड़की का पोस्टमार्टम करा करके वारसान को दे दिया था। अभी मैं इसके लड़के का जो उसके दामाद के बारे में कोई पता नहीं चल रहा है, और इन्होंने ये बताया था कि मेरे दामाद को उसके माता पिता ने शादी के बाद ही जो है उसको बेदखल कर दिया था और वो शुरू से ही किराए पर पूजा कॉलोनी में रह रहा था, और अब लड़की मेरे पास से दो महीने से करीब मेरे पास रह रही है। जो इसने जो सुसाइड किया है इसके माँ बाप के घर पर ही किया है, और जब से ये अपने माँ बाप के घर आई है वो लड़का इसके घर पर नहीं आया, ना ही कोई सी भी कंटैक्ट की बात हुई पूरी इनके साथ ही है। आगे तफ्तीश जारी है, अगर इसके सास ससुर के बारे में या कोई भी अगर कोई तथ्य सामने आए उनको भी अरेस्ट करेंगे हम। तथ्य के आधार पर उसको सास ससुर को भी कोई तथ्य आते तो उसको भी अरेस्ट करेंगे हम। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।